कट्टर पट्टर मुर्दाबाद 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 दुश्मन चुकला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो हमारे को इस पोजीशन में अगर हमारे को 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितना भी हमारे को टाइम लगेगा हम अनशन को जारी रखेंगे और हमारी मांगों के मानने के बाद ही अनशन से उठेंगे, इससे पहले हम नहीं उठेंगे किसी भी रूप में। और 14वां दिन हमारा अनशन चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है उसी रूटीन में, जिस जोश से हमने शुरू किया था उसी जोश पे आज चल रहा है। और जब तक हमारी बहाली 1983 पीटीआई को सरकार वापस सेवा में नहीं लेती तब तक इसी जोश और जुनून के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। सर हमारे को इसको रात का भी कंटिन्यू करना पड़े, इसमें हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है हमारा अनशन प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, सरकार के खिलाफ जारी रहेगा। हमारी यही मांग है कि हम 1983 साथियों का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो फैसला है उसमें कहीं भी हमारे को दोषी करार नहीं दिया गया, इसके बावजूद लॉकडाउन के चलते हुए सरकार ने हमारे को रोड पे लाके खड़ा कर दिया गया और नई भर्ती प्रक्रिया की ऐड कर दी है। तो इसी मांगों के बारे में हम सब साथी पिछले 14 दिन से यहाँ जजर सर्वो माननीय मिनी सेक्रेटरिएट के यहाँ कैंपस में बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मान लेती हमारा ये धरना प्रदर्शन लगातार इसी चाल में चलता रहेगा। अगर हमारे को इससे ज़्यादा और जरूरत पड़ी तो और साथी और समाज अन्य खापे पंचायतें हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक और फिलहाल के विधायक अपोजिशन के जो भी हैं वो भी हमारे साथ यहाँ धरना स्थल पर आए हैं और उन्होंने अपना समर्थन का ऐलान किया है। हर गांव से हर एक पंचायत हर एक जिला परिषद हर एक ब्लॉक समिति का मेंबर कम से कम 15 खापे जिला झज्जर से हमारे साथ आई हुई हैं अनशन में। इसके अलावा सर्वकर्मचारी संघ, सफाई कर्मचारी और भी अन्य संगठन C2 सभी हमारे साथ चल रहे हैं और हमारे जोश और उत्साह में वो हमारा साथ दे रहे हैं।